सर क्या कुछ नाम है, क्या कुछ फर्म का नाम आपको, क्या वारदात हुई? मेरी दुकान का नाम रोहिणी ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड है और इंसार बाज़ार में है। यहाँ पे तीन औरतें मेरी दुकान पे आई थी, तो दुकान पे आके कड़े वड़े दिखाने के लिए बोला। कड़े दिखाते दिखाते कुछ नज़रों में ऐसे ही मेरी नज़रों से ओझल, या समझो चालाक औरतें थी, चोरी करके दो कड़े ले गई हैं मेरी दुकान से। बाद में जब मैंने स्टॉक अपना देखा तो मेरे को पता चला ये तो जोड़ी है नहीं मेरे दुकान में। तो अपना कैमरे में फुटेज चेक करने के बाद पता चला कि ये तीन औरतें मेरी दुकान में चोरी करके गई हैं। इसकी शिकायत मैंने सिटी थाना में कर दी है। कितनी उनकी कीमत है सर, कितने ग्राम होते हैं उनकी? 6.5 तोले हैं, कोई ऑलमोस्ट 4.25 लाख रुपए के हैं। और ये मेरे हॉलमार्क एच आई डी सब पास हैं मेरे, मतलब स्टॉक इन स्टॉक में थे तभी। कैसी लग रही है सर वो देखने में? ठीक है, अच्छे घर की लग रही थी, गांव में जैसे गांव की औरतें थी, बट पढ़ी लिखी लग रही थी, समझदार लग रही थी, पर अब ये नहीं पता था चोर हैं। पहनावा अच्छा था, मतलब हाँ, पहनावा ठीक था उनका। उस टाइम पे कस्टमर बहुत ज़्यादा हाँ, थे। कस्टमर भी थे मेरे पास, मेरा शोरूम में रश था, तो उसी का फ़ायदा लेके, रश का फ़ायदा जो है ना उन्होंने उठा लिया। इससे पहले भी सर कई सारे जो महिला ग्रुप थे इस तरह के, इसके लिए थे, पहले भी वारदातें हुई है इसी बाजार में। अब मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हुआ पर फर्स्ट टाइम ही हुआ मेरे साथ। तो पर ऐसे सुनने में आया सर, होती रहती हैं, पर बस वो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये तो अब जो काम करने आई थी अपना कर गई हैं। सर जब वो कड़े देख रही थी, क्या कुछ आपको अलग सा लगा? कुछ नहीं, बस कभी मेरे को कह रहे थे हल्के दिखाओ, कभी भारी दिखाओ, कभी ऐसे ना, बड़ा मेरे को उलझा के रखा हुआ था, जिस वजह से लगा कि पता नहीं क्या है। तो बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो है ये काम कर दिया है चोरी कितने का। टाइप के उन्होंने कड़े देखे थे आपके? देखे थे अब हल्के भी दिखाए मैंने उनको, 3-4 तोले वाले भी दिखाए, 5 तोले के भी दिखाए, सब तरह के कड़े दिखाने पड़ते हैं। हम लोग तो दुकानदार हैं, हमें तो दिखाने पड़ेंगे। तो दिखाते दिखाते ये हाथ की सफाई उन्होंने कर ली, अपने हाथ की सफाई दिखा दी। अब हमारी नज़रों में धूल झोंकनी थी, झोंक दी। अब क्या, अब यही कह सकते हैं कि आप लोग ही हमारी मदद करोगे कि भाई उसको ढूंढने में, एक तो ढूंढेंगे, ऐसे चोरों को पकड़ में आना भी चाहिए कि किसी और के ऊपर ऐसा कल को कोई काम ना कर पाएं ये औरतें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको ज़रूर पकड़ें और हमारी मदद करें कि ये पकड़ी जाएँ। इस मामले में हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, तो एक महिला है, वो बड़े ही शातिर तरीके से ज्वेलर्स को, जब उनका ध्यान वहाँ पे नहीं रहता है तो वो ज्वेलरी चेंज कर लेती हैं। इसके बारे में जो हम और भी ज्वेलर्स वगैरह से संपर्क एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास और कोई ऐसी कंप्लेंट आई है तो मुकदमा दर्ज करके उस गिरोह का पता लगाने के प्रयास में हैं हम। सीसीटीवी में साफ तौर पर देख लिया सर, कितनी महिलाएं थी? इसमें 3 महिलाएं थीं जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, तीनों की शनाख्त करके उनके बारे में जल्द पता लगाया जाएगा।